नमस्कार, मैं आप सभी के साथ हूँ राजीव झा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का नंबर वन एंड लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय एवं आपकी खबर इस समाचार के प्रस्तुत करता है। अ वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर टेक्नोलॉजी नीड्स, कंप्यूटर एंड हार्डवेयर टू हाई स्पीड कॉपियर्स, कुसुम इन्फोटेक। क्रिएट योर ओन वर्ल्ड इन योर वे, PIS। अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना, अपोलो क्लिनिक नाउ इन सिलीगुड़ी। अब बढ़ते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस की तरफ। नए मंत्रिपरिषद के साथ आज दूसरी बार शपथ लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस्लामपुर में महिला की गला काट कर हुई हत्या। गुरोव संयोजक राजू पर हुआ प्राणघातक हमला। संजय बंसल बनाए गए दार्जिलिंग के नए जिला शासक। और विमल पंथी गुट के एक और नेता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की तरफ विस्तार से। नए मंत्रिपरिषद के साथ आज शपथ लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री ने किया शहीदों को सलाम। राजघाट अटल स्थल के बाद वॉर मेमोरियल में जाकर दी शहीदों को श्रद्धांजलि। लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे कार्यकाल के लिए आज शाम को नए मंत्रिपरिषद के साथ शपथ लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मोदी और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ दिलाएंगे। इस बीच मंत्रियों के नाम को लेकर रहस्य फिलहाल बरकरार है। इधर प्रधानमंत्री पद की दूसरी बार शपथ लेने से पहले गुरुवार सुबह पीएम मोदी राजघाट और अटल समाधि पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को नमन भी किया। शपथ ग्रहण समारोह के लिए कोलकाता से 54 परिवारों के खास मेहमानों को बुलाया गया है। ये उन भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवार हैं जिनके मुखियाओं की बंगाल में हिंसा में मौतें हुई हैं। समारोह में शरीक होने वाले बिम्स्टेक देशों के प्रमुख को राष्ट्रपति कोविंद निजी रूप से रात्रि भोज देंगे। दार्जिलिंग लेबंग के गुरोव संयोजक राजू पर प्राणघातक हमला हुआ है और उनके घर में व्यापक स्तर पर तोड़फोड़ की गई है। विधायक नीरज जिम्बा ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और हमले के लिए विनय पंथी गोजो गुट को दोषी ठहराया है। गेट खोल भन्थे तमासा पार्दै भन्यो, अनि त्यहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ उयो के रे गेटमा गेट खोलेको जस्तो गरेर चाहिँ मैले ताला लगाएँ, अनि ताला लगाएर चाहिँ एक साइडबाट हामी भित्र उयो पस्यौँ। भित्र पसेपछि त्यहाँबाट एकछिनमा त पुरा मुख छार्दै, अन्त नगेन्दा 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 यहाँ आउनु न, गेट खोल्यो भन्दै बोलाउँदै, अन्त भरे त्यहाँ गेट खोलेर गेटबाट भित्र आउनु नपाउँदाखेरि चाहिँ ब्याक साइडतिर गएर सबै ऐनाहरू फुटाएर सबै चारतिरबाट मान्छेहरू पसेर दराज गोद्रेजहरू खोलेर भित्र किचनसम्मै आएर मेरो भदैनीलाई घिसाएर उतापट्टि रुममा निकालेर मैले मेरो हातमा एउटा सानो भित्र बेलना थियो किचनमा थियो, त्यो बेलनाले यस्तो हात उठाउँदाखेरि मेरो पनि यस्तोमा समातिकन यसरी घिसाएर यतापट्टि बाहिर निकालेर, अन्त भरे तिनीहरू फेरि भए भए निक्ली भनेर फेरि आफै अन्त भित्र फेरि यता गोद्रेजमा रुममा पसेर चाहिँ डल्लै सुनहरू डल्लै ऊ बट्टाहरू सबै ऊ प्रुफ छ यहाँ भुइँमा सबै बट्टाहरू पैसा रुपियाँ सबै लिएर गएको छ। इस्लामपुरमा दिन दहाड़े महिलाका गला कटा हुआ शव मिल्ने से फैले इलाके में सनसनी पुलिस ने पूछताछ के लिए दो लोगों को लिया हिरासत में। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में बुधवार को सड़क पर दिन दहाड़े एक आदिवासी महिला का गला कटा हुआ शव बरामद किए जाने की घटना को लेकर पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहर सदर सराय दिघी गाँव में आज दोपहर इस घटना के बाद गाँव के लोग डर से पलायन करने लगे हैं। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इस घटना को लेकर पूछताछ के लिए दो लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी मिली है कि सराय दिघी गांव निवासी इस महिला का नाम माइनो टूडू है और घर के सामने रास्ते पर पड़ा देख पुलिस को इसकी सूचना लोगों ने दी। जमीन विवाद को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिए जाने की बात कही जा रही है। असल बात तो पुलिस जाँच के बाद पता लगाएगी। সরাই দেখি মানে কি নাম জানা গেছে না নাম জানা যায়নি না নাম জানা যায়নি কি রে মারা মনে হচ্ছে নাকি কি হচ্ছে কি মনে হচ্ছে আমি কি জানি একদমই তো দেখতে পেলাম আছে দেখছি কি অবস্থা দেখলেন গলা ছুটানো এটাই एक तरफ मोदी शपथ ग्रहण करेंगे तो दूसरी ओर ममता बनर्जी देगी धरना। आज नैहाटी नगर पालिका के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं संग मुख्यमंत्री बैठेंगे धरने पर। तृणमूल प्रमुख व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर आंदोलन पर उतरने जा रही है। गुरुवार को एक तरफ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तो दूसरी ओर ममता बनर्जी कोलकाता से कुछ दूरी पर नैहाटी में धरना देंगी।
उन्होंने मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जाने से इसीलिए बुधवार को इनकार कर दिया था कि भाजपा झूठ फैला रही है। असल में पश्चिम बंगाल में कथित राजनीतिक हिंसा में मारे गए 54 कार्यकर्ताओं के परिजनों को भी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है। इसी को लेकर ममता खफा है। इसीलिए ममता बनर्जी उत्तर 24 परगना जिले के नैहाटी नगर पालिका के सामने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठेंगी। गोजो प्रवक्ता बीपी बजगई के पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष विमल गुरुंग ने घोर आपत्ति जताई है और इसकी कड़ी निंदा की है। गुरुंग ने कहा है कि बजगई को साजिश के तहत फंसाया गया है। एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आरोप लगाया कि बजगई को पुलिस ने फर्जी मामले में फंसाया है। पश्चिम बंगाल सरकार अगणतांत्रिक कार्यों का उदाहरण है। उन्हें निःशर्त बजगई की रिहाई की मांग की है। अलीपुर द्वार में तृणमूल कांग्रेस के 6 पार्टी कार्यालय में की गई तोड़फोड़, स्थानीय विधायक सौरव चक्रवर्ती ने भाजपा समर्थकों पर लगाया आरोप। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में अच्छे प्रदर्शन से भाजपा के हौसले बुलंद हैं और चुनाव के बाद भाजपा 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव जीतने के मिशन पर जुट गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में तृणमूल कांग्रेस के कार्यालयों में तोड़फोड़ की घटना सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में बुधवार को एक के बाद एक तृणमूल कांग्रेस के 6 पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। तृणमूल सूत्र के मुताबिक आज अलीपुरद्वार एक नंबर ब्लॉक के सोनापुर कॉलोनी में एक, मथुरा कॉलोनी में एक, बबूरहाट में 3 और 8 माइल इलाके में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यालय पर हमला किए गए। अलीपुरद्वार के पुलिस सुपर सुनील कुमार यादव का कहना है कि इस घटना को लेकर अभी तक किसी राजनीतिक दल की ओर से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। इसके बावजूद पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। इस पर वरिष्ठ तृणमूल नेता व अलीपुरद्वार के विधायक सौरव चक्रवर्ती ने कहा कि आज दोपहर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता व समर्थक सभी खेत में काम कर रहे थे। इसी का लाभ उठाकर अलीपुरद्वार एक नंबर ब्लॉक के विभिन्न पार्टी कार्यालय में भाजपा समर्थकों ने तोड़फोड़ की है। सिलीगुड़ी के एनजेपी इलाके में भारी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ किया गया जब्त। एनजेपी थाने की पुलिस ने आईओसी संलग्न इलाके में अभियान चलाकर भारी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ जब्त किए हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लौटते हैं एक ब्रेक के बाद, आप बन रहिए एसके लाइव के साथ। अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811। Apollo Clinic, expertise closer to you. Apollo Clinic, now in Siliguri. Services offered: doctor consultation, all kind of blood tests, USG, echocardiography, TMT and PFT, including Apollo Dental Clinic. Apollo Clinic, Golden Enclave, near Don Bosco Moore, Sevok Road, 2nd Mile, Siliguri, mobile number 8900293111. From sales to services, a one-stop shop for all your technology needs. Computer and hardware to high-speed copiers, printers, toner, lamination machines, note counting machines and CCTV cameras, you will find a solution for all of your technology needs under one roof at Kusum Infotech, Prince Hotel, Rishi Abindo Road,
হাকিমপাড়া শিলিগুড়ি 9933333401। ব্রেক কে বাদ একবার ফির সে আপ সবাইকা স্বাগত হ্যায়, বাড়তে হ্যায় খবরো কি তরফ। संजय बंसल बनाए गए दार्जिलिंग के नए जिला शासक। जिलाधिकारी जयश्री दास गुप्ता को संयुक्त सचिव खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का बनाया गया है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला करना प्रारंभ किया है। बुधवार को 5 आईएएस और 8 आईपीएस का स्थानांतरण किया है। सूत्रों से मिली सूचना के अनुसार 2004 बैच के आईएएस संजय बंसल को केएमडीए के सीईओ पद से हटाकर दार्जिलिंग का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। दार्जिलिंग की जिलाधिकारी जयश्री दास गुप्ता को संयुक्त सचिव खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का दायित्व दिया गया है। सुरेंद्र कुमार मीणा को स्पेशल कमिश्नर जीएसटी दुर्गापुर से हटाकर डीएम अलीपुर द्वारा बनाया गया है। जलपाईगुड़ी की डीएम शिल्पा गौर सरिया को संयुक्त सचिव वित्त बनाया गया है। भरत लाल मीणा को सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर के रूप में ही दोबारा तबादला किया गया है। इसी प्रकार जलपाईगुड़ी एसपी अमिताभ माइती को दोबारा जलपाईगुड़ी में भेजा गया है। दार्जिलिंग बाजार से बिना कारण गोजुओं व प्रवक्ता बीपी बजगाई के पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की घटना पर गोरों व नारी संगठन ने जताई घोर आपत्ति। घटना की निंदा करते हुए निशर्त रिहाई की है मांग। जय बरका साथियों, आज फेरी आकस्मक म यहाँ आइरहेको छु। यो चाहिँ विशेष गरी किन भन्नुहुन्छ भने आज भर्खरै दार्जिलिङमा हाम्रो पार्टी प्रवक्ता श्रीमान बीपी बजगाईज्यूलाई जुन प्रकारले पुलिसले जबरजस्ती एरेस्ट गरेर उहाँलाई लगेर जानुभयो, अब त्यसमा हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बङ्गाल सरकारले राजनीति गरेर जुन प्रकारको सही ढङ्गले राजनीति गरेर नसक्ने हुँदाखेरि पहाडको जनतालाई दबाउने कोसिस र पहाडको आवाजलाई एकदमै जमिनभित्र हाल्ने कोसिस गर्नु फेरि थालेको जस्तो लाग्दैछ। तर होस् गर्नुहोला, पुलिस प्रशासन र बङ्गाल सरकारले पनि पहाडको जनता अब जागिसकेको छ, जागिसकेको जनतालाई तपाईँले जबरजस्ती गर्न सक्नुहुन्न। आज से शुरू होने जा रहा है क्रिकेट का महाकुंभ यानी आईसीसी वर्ल्ड कप। आगाज इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मुकाबले से होगा। दूसरी ओर भारत का पहला मैच 5 जून को साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। क्रिकेट का महाकुंभ आईसीसी वर्ल्ड कप आज से शुरू होने जा रहा है। इसका आगाज इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मुकाबले से होगा। वहीं भारत का पहला मैच 5 जून को साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। टूर्नामेंट में इस बार 10 टीमें दावेदार हैं, जबकि पिछली बार 14 टीमें थी। इस बार फॉर्मेट भी बदला है। लीग मैच नॉकआउट नहीं होंगे, यहां सभी 10 टीमों को एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलना है। इस दौरान कुल 48 मैच खेले जाएंगे। इससे पहले 1992 में यह फॉर्मेट अपनाया गया था। अमूमन टूर्नामेंट में टीमों को ग्रुप में बांट दिया जाता है। भारत 2 बार ट्रॉफी जीत चुका है, उनकी निगाह 3री बार खिताब पर कब्जा करने की है। सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार अपने खिताब नाम किया है। फाइनल मैच 14 जुलाई को खेला जाएगा। विमलपंथी गुट के एक और नेता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विमलपंथी गुट के गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता तथा पूर्व सभासद तिलक चंद्र रोका को दार्जिलिंग पुलिस ने बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य रात्रि के समय जब वो अपने घर में सो रहे थे, तब अचानक से पुलिस ने धावा बोलकर उनको गिरफ्तार कर लिया। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले एक परिवार पर कूचबिहार में हुआ जानलेवा हमला, घर में भी की गई है तोड़फोड़। कूचबिहार 1 नंबर ब्लॉक चांदमाड़ी इलाके में रहने वाले नीलकांत वर्मन लोकसभा चुनाव के पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन आरोप के अनुसार बुधवार रात करीब 12 बजे तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने घर पर हमला बोल दिया और घर में तोड़फोड़ करने के साथ ही नीलकांत और उनकी पत्नी के साथ जमकर मारपीट भी की। दोनों को घायलावस्था में कूचबिहार मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। আমরা তৃণমূল ত্যাগ করে আমরা বিজেপিতে আমরা যোগদান করছিলাম। আমরা আমাদের বুথ ওই বিজেপি ওখানে বিদ্যায় 130 ভোটে তৃণমূলের বুথ কমিটির যারা মেম্বার, এরা গতকাল রাত 11:30টার সময় আমাকে দরজা জানলা ভাঙিয়ে আমার স্বামী স্ত্রীকে আক্রমণ করা। मालबजार में फिर से एक हाथी ने मचाया तांडव, 8 घरों को किया तहस नहस। मालबजार महकमा के रानीचीरा चाय बगान के स्टेशन लाइन में बुधवार रात करीब 1:30 बजे एक हाथी अचानक से गांव में घुस आया और स्थानीय निवासियों के घर में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। हाथी के गांव में घुसते ही पूरे गांव के लोग आतंकित हो उठे और लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई और वन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचकर हाथी को जंगल की ओर भगा दिए। अब तक के लिए इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय एवं आपकी खबर। आप सभी हमारे प्रिय दर्शकों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।